नदी नर्मदा के दक्षिणी तट पर है। आजकल भक्तों से मारवा कहा जाता है, लेकिन सामंतवादी हुकूमत में इसे माढ़ोगढ़ लिखा गया था। नर्मदा नदी को पार कर बनासुर वंश के क्षत्रिय योगियों के देश में जब माढ़ो के राजकोट में प्रवेश कर जाते हैं, राजभवन में उदल ने बहुत अच्छा नृत्य किया था। अब देखते हैं कि माढ़ो के सम्राट जमराज की बेटी राजकुमारी भीष्मा उदल को किन हालातों में पहचानती हैं। ये माढ़ोगढ़ संग्राम से पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
अच्छा।